फ्रेंड्स, मैं ऋषि एक बार फिर लौट आया हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोटिक में। दोस्तों, आज हम Nokia 6 की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 इवेंट से पहले दोस्तों कयास लगाए जा रहे थे कि और खबरों से सामने आ रहा था कि Nokia इस इवेंट में अपने कुछ नए स्मार्टफोन्स जिसमें Nokia 5, Nokia 3 के साथ एक फीचर फोन Nokia 3310 भी शामिल करेगा। दोस्तों, ये पेश करने के लिए नोकिया की तरफ से दो कई वेबसाइट्सों से कयास लगाए जा रहे थे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि नोकिया 6 को भी यहाँ ग्लोबली पेश किया गया है। अभी तक नोकिया 6 में चीन में ही उपलब्ध था। दोस्तों, HMD ग्लोबल ने नोकिया 6 को पिछले 6 महीने में ही चीन में पेश किया था और ये अभी तक चीन में ही मिल रहा था। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल बाजार में भी आने वाला है। दोस्तों, भारत में से Q2 2017 में देखा जा सकेगा, सेकंड क्वार्टर में। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि नोकिया 6 ने चीन में किस तरह की धूम मचाई थी। दोस्तों, अगर आंकड़ों की चर्चा करें तो इस स्मार्टफोन के लिए लगभग 1.3 मिलियन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसकी पहली फ्लैश सेल जो हुई थी उसमें महज 23 सेकंड में ये फोन सेल आउट हो गया था। दोस्तों, अगर नोकिया 6 की कीमत की चर्चा करें तो आपको बता दें कि यूरोप में नोकिया 6 की कीमत 229 यूरो, मतलब कि लगभग 16,000 रुपये होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि अगर इसके 8 ब्लैक स्पेशल एडिशन की बात करें तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 में पेश किया गया इसका जो एडिशन ब्लैक कलर का, तो इसकी कीमत भी 299 यूरो तय की गई है, यानी लगभग कि 21,000 रुपये। ये स्मार्टफोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। नोकिया 6 स्मार्टफोन एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन से बनाया गया है। 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है जो कि 2.5D गोरिल्ला ग्लास से कोटेड है। दोस्तों, स्मार्टफोन का स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x1920 पिक्सल से। यह स्मार्टफोन 1.1 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर काम करता है। दोस्तों, इसमें X6 LTE मॉडल दिया गया है जिसमें स्मार्टफोन में 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी उपलब्ध है। दोस्तों, इसके अलावा microSD कार्ड की बात करें तो उससे इसमें microSD कार्ड है स्लॉट दिया गया है जिससे एक्सपेंडेबल डाटा को एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोस्तों, नोकिया 6 एंड्रॉयड 7.0 नॉगट पर वर्क करता है। फोटोग्राफी के लिए नोकिया 6 में PDAF के साथ 16 MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8 MP का फ्रंट कैमरा भी उपलब्ध है। दोस्तों, पावर बैकअप के लिए 3000 mAh की बैटरी, वहीं इसमें शानदार क्वालिटी के लिए डॉल्बी एटमॉस साउंड उपलब्ध है। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं नोकिया 3 की। तो इस स्मार्टफोन की तस्वीरें हमारे हाथ लगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये फ़ोन असल में कैसे दिखता है। तो दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटोज़ देख पा रहे हैं नोकिया 3 की फ़ोटोज़ हैं। ये दिखने में कुछ सोनी के एक्सपीरियंस जैसे मॉडल जैसा है। तो नोकिया कंपनी का कम कीमत वाला एंड्रॉयड स्मार्टफोन है ये नोकिया 3। इसमें 5 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 8 MP का रियर और फ्रंट कैमरा उपलब्ध है। दोस्तों, एंड स्मार्टफोन एंड्रॉयड 7.0 नॉगट पर वर्क करता है। नोकिया 3 4 कलर्स ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल होगा जिसमें सिल्वर, वाइट, मैट ब्लैक, टेम्पर्ड ब्लू और कॉपर वाइट शामिल। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर ये वीडियो ये फोटोज देख पा रहे होंगे नोकिया 3 की। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप कोई भी टेक्नोलॉजी से क्वेरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो की ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कीजिएगा, उसका जवाब आपको जल्द दिया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।